अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बीएड के कोर्स कोड 8610 के यूनिट 5 पर मुश्तमिल है और जिसका टॉपिक है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस किसको कहते हैं? इन पिक्चर्स के थ्रू आप देख रहे हैं कि बच्चों के फीलिंग्स, इमोशंस किस तरह से वो शो करवा रहे हैं। गुस्से का इजहार, खुशी का इजहार, परेशानी का इजहार या फिर नींद की फीलिंग के हवाले से। आज के यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आफ्टर रीडिंग द यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन इमोशनल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द मीनिंग्स, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट from preschool to elementary school level, and the last objective of this unit is to describe various activities provided at certain stages of the learning purposes. Let's move to the channel message. आप देख रहे हैं education and entertainment channel। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोस आपके सामने हों। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट यूनिट यू हैव स्टडीड अबाउट सोशल डेवलपमेंट। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट। We cannot separate emotional and social development because emotional development occurs in social context. Moreover, both of the aspects of development influence other developmental processes. Healthy social emotional development is closely related to the healthy cognitive development of children, and it serves as the foundation for further academic, social and emotional success. A teacher must have the knowledge of all dimensions of emotional development to deal effectively with the students at various level. तो आपको अंदाज़ा हो गया कि टीचर बनने के इस कोर्स में, इस प्रोफेशनल डिग्री में आपको इमोशनल डेवलपमेंट क्यों पढ़ाई जा रही है। What is emotional development? Professionals sometimes define healthy social emotional development in young children as early childhood mental health. Healthy social emotional development includes the ability to, professionals का ख्याल है कि बच्चों को अगर उनका mental health अच्छी है तो it means उनकी emotional development अच्छी हो रही है। आप देखते हैं कि कौन कौन सी सलाहियतें हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं, वो अगर बच्चों में मौजूद होगी तो वो क्या क्या कर पाते हैं। फॉर्म एंड सस्टेन पॉजिटिव रिलेशनशिप, वो एक पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है उसको ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उसको सस्टेन भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर एंड एंगेज विद द एनवायरनमेंट, माहौल में नई नई चीज़ों को देख भी सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं और नई चीज़ों में मसरूफ भी हो सकते हैं। What is emotional development is going on and children having well developed social emotional skills are also able to, जिनके पास अच्छी social emotional skills develop हुई हैं वो क्या कर सकते हैं, express their ideas and feelings। आप उनको किसी भी चीज़ के बारे में इजहार ख्याल का अगर मौका देंगे तो अपने ideas और feelings को का इजहार कर सकते हैं। Show empathy towards others, दूसरों की तरफ अपने जो जज्बात हैं हमदर्दी के, उनको शो करा सकते हैं, उनका इजहार कर सकते हैं। मैनेज देयर फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्प्लेयर
मोर इजीली। वो अपनी नाखुशी का इजहार और अपने गम का इजहार मैनेज कर सकते हैं, ऐसे लोग जिनकी इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी हुई हुई होगी, वेल डेवलप्ड होगी। फील सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप में एतमाद महसूस करते हैं। मोर इजीली मेक एंड डेवलप फ्रेंडशिप्स, बहुत आसानी से दोस्तियां बना सकते हैं और उनको डेवलप कर सकते हैं। सक्सेस सक्सीड इन स्कूल, और स्कूल में कामयाब सोशली और इमोशनली इंसान या स्टूडेंट बन सकते हैं। कुछ इमोशंस का इजहार इन पिक्चर्स में हो रहा है, जिसमें खुशी का, गुस्से का, हेटर, लव, अफेक्शन, जेलसी, हैप्पीनेस और एम्पथी, ये सब वो फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो बच्चे अपने सोशल बिहेवियर में शो कराते हैं। उन सब के जो पिक्टोरियल एविडेंसेस हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें अभी तक जितना हमने पढ़ा उसकी समरी जो है एक दफ़ा कंक्लूड कर लेते हैं उसको। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। टू कंक्लूड, वी कैन से दैट इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड थ्रू लेट अडल्टहुड। यानी पहला जो इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से बच्चे का एक्सपीरियंस है, वो उसकी पैदाइश से लेकर उसके अडल्टहुड तक, यानी 12, 13, 14 साल तक की उम्र तक रहता है। एन इंडिविजुअल हैविंग वेल डेवलप्ड सोशियो इमोशनल स्किल्स कैन एक्सप्रेस एज वेल एज कंट्रोल हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमने पहले भी बात की थी, जब हम सोशल नॉर्म्स और सोशल डेवलपमेंट के चैप्टर पर थे, तब हमने ये जिक्र किया कि बच्चों के अंदर ये सलाहियत डिवेल्प हो जाना सोशियो और इमोशनल डेवलपमेंट कहलाएगा कि वो अपने गुस्से का इजहार करने को कंट्रोल कर सकें या अपनी खुशी के इजहार को एक्सप्रेस कर सकें। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कंट्रोल हासिल करना और सिचुएशन के हिसाब से, अगर उनको किसी बात पर हंसी आ रही है लेकिन सामने कोई एक संजीदा सूरत माहौल है जिसमें वो बैठे हैं और ख्याल में उन्हें कोई जोक या लतीफ़ा याद आ गया, तो वो अपनी उस कैफियत को, उस स्माइल को रोक सकें और सिचुएशन के हिसाब से अपने इमोशन और फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें। ही हैज़ द एबिलिटी टू बिल्ड हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इमोशनल डिवेलपमेंट इज एसोसिएटेड विद ऑल अदर डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट। तो बच्चे की जो बाकी सारी डेवलपमेंट्स हैं, उन सब का जो रिलेशन है वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के साथ जुड़ता है। व्हाई इमोशनल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरत है हमें बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट को मॉनिटर करने की, बीइंग टीचर। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ how we feel about ourselves and how we experience others. The foundation start from the day we are born and continue to develop throughout our lifespan. जब से कोई इंसान पैदा होता है और तब जब तक वो आखिरी सांस लेता है, उस सारी जिंदगी में उसका ये इमोशनल डेवलपमेंट का जो फेज है, जो प्रोसेस है, वो जारी रहता है। द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप अ चाइल्ड डेवलप्स with his mother or primary caregiver has the greatest influence on his later socio-emotional development. उस दिन हमने bonding की बात की थी और relationship में trust, mistrust की बात की थी। वो सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं बच्चों की emotional development पर। In previous unit you have studied attached theories with which present and support this idea. तो मैं पहले ही आपको बता चुकी, एग्जाम्पल दे चुकी उन्हीं थियोरीज से कि अटैचमेंट की थ्योरी हमने पढ़ी, हमने ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो थ्योरी थी, एरिक्सन की थ्योरी हमने पढ़ी थी, और इसके अलावा मुख्तलिफ हमने साइकेट्रिस्ट की थ्योरीज में पढ़ा कि किस तरह से इमोशनल और सोशियो इमोशनल डिवेलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है इंसान की अपब्रिंगिंग के दौरान। और सो इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इमोशंस अपीयर्स। ये समझना जो है कि क्यों इमोशंस और जो हैं वो क्यों आखिर जाहिर होते हैं, क्यों बंदे के अंदर जज्बात अच्छे बुरे खुशी के गम के क्यों आते हैं।
रिकग्नाइज वंस ओन फीलिंग्स एंड अदर दोज ऑफ अदर्स. एक इंसान अपनी फीलिंग को भी पहचान सके कि मैं इस वक्त क्या परेशानी महसूस कर रहा हूँ, या मैं खुश हो रहा हूँ, या मैं किसी चीज़ से अगर मुझे प्यास फील हो रही है या मुझे भूख फील हो रही है, वो उस चीज़ को ना सिर्फ रिकग्नाइज कर सके बल्कि दूसरों की भी इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको भी रिकग्नाइज कर सके, पहचान सके. डिवेलपिंग अफेक्टिव वे ऑफ मैनेज देम. मैनेजिंग जो ऑफ फीलिंग्स की बात भी मैं लास्ट स्लाइड पर आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ. नेक्स्ट अब हम देखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इमोशनल डिवेलपमेंट. सोशल इमोशनल डिवेलपमेंट के पहलू कौन कौन से हैं? केयरिंग एनवायरनमेंट, इमोशनल नॉलेज एंड इमोशनल रेगुलेशन, सोशल अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. केयरिंग एनवायरनमेंट होगा अगर कोई आपके घर में आपने बच्चों की जो अपब्रिंगिंग थी उसके दौरान जो पेरेंट्स का रवैया था, जो फैमिली मेंबर्स का रवैया था, वो सारा बच्चों की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर रहा होता है. अगर आपके घर में एक केयरिंग एनवायरनमेंट है तो बच्चा भी एक केयरिंग इंसान बनेगा. इसी तरह से इमोशनल नॉलेज एंड इमोशनल रेगुलेशंस, जो भी इमोशन से रिलेटेड गुफ्तगु है, बच्चों के साथ डिस्कशन है कि इस तरह से नहीं देखें, इस तरह से करना चाहिए, वो भी उनकी जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें एक अहम पहलू है. सोशल अंडरस्टैंडिंग, उसे पता होना चाहिए एक बच्चे को उसकी डेवलपमेंट के दौरान पेरेंट्स या जो केयर गिवर हैं वो उसको गाइड करते रहें कि किस तरह से वो सोशली मूव करे, किस तरह से उसको सोशल नॉर्म्स का ख्याल रखना है. रिलेशनशिप मैनेजमेंट्स, एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं बच्चे के या उससे एडल्ट के, वो किस तरह से मैनेज करना है, ये टीचर और पेरेंट्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस बच्चे की क्या हैं? क्या उसको गली में जाते हुए गंद फैलाना चाहिए? क्या उसको जगह जगह पर थूकना चाहिए? नहीं. तो ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाना ही उसकी सोशल डिवेलपमेंट हो कहलाती है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं. दीज इमोशंस आर हार्मफुल टू द डिवेलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स. एक इंसान के लिए ये नुकसानदेह इमोशंस जो होते हैं उनको नेगेटिव इमोशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल फियर, यानी खौफ का आंसर, खौफ की फीलिंग, और फिर एंगर, गुस्से और जेलसी के जो फैक्टर्स हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस कहलाते हैं. हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट यूनिट में देखा था कि एक थ्योरी आपके सामने बताई गई थी, एरिक्सन की थ्योरी, जिसमें आपने बच्चों के जो एज के हिसाब से उनकी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के हवाले से कुछ स्टेजेस देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि बच्चे की जो पहली एज है बर्थ से लेकर 12 से 18 मंथ तक या फिर 1 ईयर तक, जैसे यहाँ पर मेंशन है आपके कॉलम 1 में, तो इसमें बच्चों का जो कन्फ्लिक्ट है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के दरमियान होता है. उसके रिलेशनशिप में होप होती है कि वो ट्रस्ट करेगा अपने केयर गिवर पर, अपनी मदर पर. और यहाँ पर इस सारी थ्योरी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, तो उसकी डिटेल जानने के लिए आप यूनिट जो हमारा पिछला यूनिट था 4, उसके पार्ट 1 को जब आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी थ्योरीज की डिटेल मिल जाएगी. हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एट प्री स्कूल लेवल क्या क्या हो सकती हैं. इमोशंस ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन आर लार्जली ऑन सरफेस. सारी जो प्री स्कूल इमोशंस हैं वो सतही होती हैं. चिल्ड्रन एट दिस लेवल एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तब बच्चे इस तरह की खसूसियात का मुजाहरा करते हैं. चिल्ड्रन लाफ व्हेन एडल्ट्स लाफ और ऑन एन ऑड इवेंट. वो किसी भी इवेंट पर ऐसे ही हंसने लग जाते हैं जब कोई बड़े उनके सामने हंस रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है ये हंसने की बात है, हम भी हंसें. इट शोज़ एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमर, लेस नेगेटिविज्म. बच्चों में नेगेटिविटी कम होती है. इमोशनल जो खूबियाँ हैं और प्री स्कूल लेवल पर जो उस वक्त के एज के बच्चे हैं, जैसे कि हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं आपको कि प्री स्कूल लेवल जो है वो 3 से 5 ईयर की एज स्पेन को कहा जाता है. कमेंसमेंट ऑफ फोबियाज एंड फियर्स दैट मे प्रोलोंग टू एज 5.
हम बात कर रहे हैं 3 से 5 साल तक की, तो जाहिर है ऐसे कुछ फोबियाज और खौफ बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट अगर उसकी प्रॉपर ना हुई हो, जो उसको खौफ में मुब्तला कर सकते हैं 5 साल की उम्र तक। और अगर वो उसके बाद भी इस फोबिया से नहीं निकल पाया तो वो इमोशनली वीक पर्सन बनेगा। एट 4 ईयर्स इंटेंशनल लेइंग में भी बिगिन, यानी इस तरह का जो सिलसिला है वो 4 साल से शुरू हो सकता है और 5 साल तक बरकरार रह सकता है बच्चों के इमोशंस के हवाले से। अब हम देखते हैं एक्टिविटीज़ फॉर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एट प्री स्कूल लेवल। प्री स्कूल लेवल जो है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो हम बच्चों को उस वक्त उस एज के दौर में करवा सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनका आइडिया दिया हुआ है। और इन एक्टिविटीज़ की डिटेल के लिए अगर आप लर्निंग कॉर्नर वीडियो सीरीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको उसमें बेतहाशा तकरीबन 8-9 एपिसोड्स मिलेंगे जो डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस के हवाले से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हैं, उनका मटेरियल भी है और कैसे उनको यूज़ करना है, तो किस तरह से वो कॉर्नर आपने लर्निंग कॉर्नर सेट करना है प्री स्कूल बच्चों के लिए, तो उस हवाले से उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और सजेस्टेड वीडियोस में भी डाल दूंगी। तो यहाँ पर बात हो रही है यू कैन गेट द आइडिया एंड डिज़ाइन योर ओन इनोवेटिव एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर्स एंड एक्सेसिबल सोर्सेज। जो भी सोर्सेज आपके मौजूद हैं आपके पास, उनको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन नए आइडियाज़ और नई एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए सोच सकते हैं। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्री स्कूल एज टू फुली ग्रेस्प इमोशनल कॉन्सेप्ट्स। बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है कि जब वो प्री स्कूल एज में हों तो वो अपने इमोशंस और इमोशनल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ सकें, स्पेशली कम्प्लेक्स इमोशंस, ख़ास तौर पर पेचीदा इमोशंस को। जैसे कि आप कहते हैं कि बच्चों से कि देखें आपने डरना नहीं है, अब वो किस तरह से कुछ चीज़ों से उन्हें डर लग रहा है तो वो किस तरह से अपने आप को डरने से रोक सकते हैं, उनके लिए एक पेचीदा बात है। एंड रिक्वायर्ड मटीरियल है लार्ज पीसेज ऑफ चार्ट पेपर, पोस्टर बोर्ड्स, मार्कर्स। देन आपने प्रोसीजर जो है वो एक्टिविटी का वो ये है कि ड्रा हैप्पी फेस ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट पेपर एंड आस्क द चाइल्ड व्हाट ही सीन एंड व्हाट इट मीन्स। यानी अगर आप फीलिंग्स और इमोशंस वाले इमोजीज को ही देखें तो आप वो भी दिखा सकते हैं बच्चों को तस्वीरों में और उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो फीलिंग है, इमोशन है, कौन से इस इमोजी के थ्रू शो हो रहे हैं। आजकल प्री स्कूल बच्चों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है व्हाट्सएप पर इमोजीज यूज़ करने के हवाले से कि कौन सा इमोजी किस फीलिंग को शो कराता है। आस्क हिम टू टेल थिंग्स दैट मेक हिम हैप्पी। वो बच्चे से आप क्वेश्चन करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो बताएगा मुझे फ़लाँ चीज़ खाने से मैं खुश होता हूँ, फ़लाँ कार्टून देखने से मैं खुश होता हूँ। आस्क व्हाट ही कैन डू टू फील हैप्पी। आप खुश होने के लिए क्या करते हो, ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं। ड्रा एन अनहैप्पी फेस एंड रिपीट द प्रोसेस। अगेन एक अनहैप्पी फेस ड्रा करें और फिर बच्चों से यही सवाल करें कि बच्चों आप किस दोस्त से मिलकर, किस दोस्त को देखकर या कौन से दोस्त आपको देखकर अनहैप्पी हो जाते हैं, या वह दोस्त होते भी हैं या नहीं। ड्रा एन एंग्री फेस वेल एज समवन हु इज़ अपसेट। अगर कोई अपसेट है तो उसके लिए आप एक एंग्री फेस बनाकर भी बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट किंडरगार्टन और प्री स्कूल लेवल। एट एज 5 चिल्ड्रन बिगिन टू कंट्रोल इमोशंस एंड ट्राई टू एक्सप्रेस देम इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज। बच्चे ना सिर्फ अपना इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं 5 साल की उम्र तक, बल्कि वो उनका इजहार करना भी सीख जाते हैं और उस तरीके से इजहार करते हैं जैसे कि सोसाइटी में जो कबूल किया जाता है, जो एक्सेप्टेबल है, जो एक अच्छा अंदाज समझा जाता है इमोशन और फीलिंग को शो कराने का। फ्रीक्वेंट क्वरल्स अमंग चिल्ड्रन बट दीज क्वरल्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। इसकी खूबियाँ ये हैं कि इस दौरान बच्चों के अंदर छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो लड़ाइयाँ बहुत थोड़े टाइम तक रहती हैं और बच्चे फिर से दोस्त बन जाते हैं। एट 6 देयर इज़ चेंज इन इमोशंस एंड चिल्ड्रन सीम टू बी इन इमोशनल कन्फ्यूजन। 6 साल की उम्र में बच्चों के
इमोशनल डेवलपमेंट में कुछ तब्दीली आती है और वो थोड़े इमोशनली कंफ्यूज होने लग जाते हैं, कौन सा फ्रेंड बनाएं, कौन सा नहीं बनाएं, किसके साथ बैठें, किसको छोड़ें, हम इसके साथ बैठें या उसके साथ बैठें, अगर तुम इसके साथ बैठोगे तो फिर तुम मेरे दोस्त हैं, इस तरह के बच्चों के जो इमोशन हैं वो उन दिनों कन्फ्यूजिंग इमोशंस का फेज़ आता है उन पर। न्यू काइंड ऑफ वरीज अराइज बाय ज्वाइनिंग स्कूल, जब बच्चे स्कूल ज्वाइन करते हैं 5 साल से तो उनको एक नई फिक्र लाहक हो जाती है कि पता नहीं स्कूल में क्या होगा, कैसे लोग होंगे, मैं वहाँ बैठूँगा मम्मा पापा के बगैर तो पता नहीं मुझे कैसे फ़ील होगा, मुझे डर लगेगा, डर लगेगा और मुझे जो है ना भूख लगेगी तो मैं क्या करूँगा, मुझे टॉयलेट जाना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस तरह के जो परेशानियाँ हैं उनके इमोशंस को डिस्टर्ब करती हैं, इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं। एंगर आउटबर्स्ट एक्सप्लोजन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर मे अपीयर, शायद वो स्कूल जाते हुए रोएं धोएं गुस्से का इजहार करें उस दौरान। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एट 5 स्टार्स, 5वें साल की उम्र तक बच्चों की जो डेवलपमेंट इमोशनली होती है वो उनको बताती है कि कौन सी चीज़ ठीक है तो इस पर वो इत्मीनान का इजहार करेंगे और कौन सी चीज़ जो गलत हो रही है जो उनके हिसाब से और जो बिल्कुल वो ठीक जज कर रहे होते हैं जिस पर उनको गुस्सा भी आता है और वो गुस्से के इमोशन का इजहार करते हैं। एट 6 एक्सेप्टेंस ऑफ रूल्स डिवेल्प्ड एंड ऑफन देयर इज रिजिड इंसिस्टेंस ऑन ओबेइंग, जब वो 6 साल के होते हैं तो उनके अंदर जो स्कूल के रूल्स हैं जैसे घर में भी आते ही आपने यूनिफॉर्म चेंज करना है, शूज़ चेंज करने हैं, बैग को फलां जगह रखना है, क्लास में आने से पहले आपने पूछना है, प्यास लगे तो अपने टीचर से पूछ के पानी पीने जाना है, इस तरह की जो दूसरी सारी नॉर्म्स हैं रूल्स हैं वो उनको ओबे करने लग जाते हैं और 6 साल की उम्र तक। द रूल्स इन ऑल कंडीशंस, जो भी कंडीशंस हैं उन सब में जो भी रूल्स हैं उन सबको वो फॉलो करने लग जाते हैं, अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। एक्टिविटीज़ टू डिवेल्प इमोशनल स्किल्स एट किंडरगार्टन, मेक अ ट्रेन ग्रुप प्रोजेक्ट, हेल्प यंग चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद द अपॉर्चुनिटी टू शेयर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव सम गोल्स, रिक्वायर्ड मटेरियल्स कार्डबोर्ड्स बॉक्स पेंट क्रियॉन्स मार्कर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप यूज़ करेंगे ट्रेन प्रोजेक्ट में। प्रोसीजर ऑफ द एक्टिविटी है अरेंज कार्डबोर्ड्स बॉक्सेस फॉर द चिल्ड्रन टू मेक ट्रेन टुगेदर, बच्चों के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्सेस तैयार करें ताकि वो उनको इकट्ठा करके एक चेन बना सकें ट्रेन के डब्बों और बोगियों की तरह। आस्क चिल्ड्रन टू डेकोरेट द बॉक्सेस एंड देन पुट देम टुगेदर लाइक अ ट्रेन, बच्चों को एक एक बॉक्स दे दें कि वो उसको अपने हिसाब से डेकोरेट करें और फिर उसको एक ट्रेन की सूरत में एक साथ रख दें। और एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट माइट बी इंटरेस्टिंग टू देम, या कोई और आप बजाय इसके कि आप कार्ड के बॉक्सेस बनाएं आप कोई भी और चीज़ ले सकते हैं, खाली माचिसेस ले सकते हैं, छोटे छोटे सिगरेट के जो खाली पैक होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप उनको यूज़ ना ही करें, कोई और छोटी छोटी आप बिस्किट के जैसे पैकेट्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं ट्रेन बनाने के लिए। हैव लिमिटेड सप्लाईज अवेलेबल टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन शेयरिंग द मटेरियल एज दे मेक द ट्रेन टुगेदर, टेक टॉक अबाउट शेयरिंग वाइल द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग ट्रेन, बच्चों से बातचीत करते रहें उस दौरान जब वो अपनी ट्रेन के डब्बों को डेकोरेट कर रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं। गिव प्रेज कमेंट्स और एक्नॉलेजमेंट व्हेन चिल्ड्रन शेयर, जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे अपना तो आपका काम यह है एज अ टीचर कि उनको एक्नॉलेज करें उनकी अचीवमेंट को और उनकी तारीफ करें। आस्क देम हाउ दे फील व्हेन दे हैव टू वेट टू यूज़ द थिंग्स दैट दे वांट, जब वो मिलजुल कर चीज़ों डब्बे अपने बोगियों को डेकोरेट कर रहे होंगे तो किसी को पेंसिल चाहिए होगी और उस दौरान दूसरा बच्चा उसको यूज़ कर रहा होगा, किसी को सीज़र चाहिए तो वो दूसरा बच्चा यूज़ कर रहा है, उसको वेट करना पड़ रहा है चीज़ों को लेने के लिए, तो इस बारे में आप बच्चों से पूछेंगे क्वेश्चन करेंगे कि आपको कैसा महसूस होता है जब आपको चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है तो आप क्या फील करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एट एलिमेंट्री लेवल, अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों की जो खूबियाँ हैं इमोशनल डिवेलपमेंट के हवाले से वो कौन कौन सी हैं। डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग थिंग्स बट विल कंटिन्यू टू एंड,
बच्चों को चीज़ें स्टार्ट करने में मुश्किल होती है, लेकिन वो फिर उसको एंड तक कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं, जो भी उनको प्रोजेक्ट दिए जाएं या वो जो भी उनको चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाएँ। वरीज़ रिलेटेड टू स्कूल परफॉर्मेंस, उनको अपने रिजल्ट के हवाले से, अपनी क्लास में परफॉर्मेंस के लिहाज से परेशानी होती है कि हम क्लास में कहीं अच्छे रिजल्ट्स के साथ स्टैंड कर सकें, या फिर हम फलां डिबेट और फलां कंपटीशन में विनर हो सकें। बिगनिंग ऑफ एम्पथी, एम्पथीली सीज अदर व्यू पॉइंट्स, दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको देखने का आगाज़ हो जाता है बच्चों के दरमियान। देन है सेंस ऑफ ह्यूमर एक्सप्रेस्ड इन रिडल्स, प्रैक्टिकल जोक्स, रिडल्स, प्रैक्टिकल जोक्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स। बच्चे हंसते हैं जब उनके सामने कुछ नॉनसेंस बात की जाए, कोई प्रैक्टिकल जोक्स किए जाएँ, उनको पहेलियाँ कुछ बुझवाई जाएँ, इस तरह की मजाहिया बातों को वो इंजॉय करते हैं। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड बट स्टिल इमेच्योर, अगरचे उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, लेकिन अभी भी वो नापुख्ता होते हैं, मेच्योर नहीं होते। इज सेंसिटिव एंड गेट हर्ट ईजीली, बहुत सेंसिटिव होते हैं इस एज में, एलिमेंट्री लेवल पर जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी से नाराज हो जाते हैं और जल्दी से दुखी हो जाते हैं। हैज सेंस ऑफ पोजिशन एंड पोजेशन एंड टेक केयर ऑफ पोजेशंस, मेक कलेक्शंस, वो अपना सीट को पोजेस करते हैं, ये मेरी सीट है, ये मेरा बैग है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी चीज़ है, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं इमोशनली उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स एक एक्टिविटी है, बच्चों को कहें कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकोगनाइज हाउ यू आर फीलिंग एट डिफ़िकल्ट डिफरेंट टाइम्स। आप बच्चों से पूछें कि कौन से जो फलां फलां वक्त हैं, आप उनसे डिफरेंट सिनेरियोज़ के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। मोर ओवर यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अप्रोप्रिएटली, इफ़ यू आर एंग्री इट इज़ बेटर टू टेल समवन देन टू कीप इट सीक्रेट। अगर आप गुस्से में हैं बजाय इसके कि इसको अपने अंदर राज के तौर पर रखें, बल्कि किसी से इजहार करें इस बात का कि मुझे फलां की बात पर गुस्सा आया है। इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी शेयर योर एक्साइटमेंट्स विद अदर्स, अगर आप खुश हैं तो अपने जोश और वलवले को दूसरों के साथ शेयर करें। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विद विच विल हेल्प यू डील विद देम, आपको फीलिंग का इजहार करना आपको हेल्प करेगा कि आप उन फीलिंग्स के साथ किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से उनको एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से उनको छुपाते हैं, किस तरह से उनको बताते हैं। इफ़ यू टेल समवन योर फीलिंग्स इट ऑलवेज मेक यू फील बेटर, अगर आप किसी को भी अपना दुख सुख शेयर कर लेते हैं तो हमेशा आपको अच्छा फील होता है। व्हेन यू नो अबाउट योर फीलिंग्स इट इज़ यूजुअली ईजियर फॉर यू टू डील विद अदर्स, अगर आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में जानकारी हो, आपको इल्म हो, तो आपके लिए आसानी होती है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को भी जान सकें आसानी से और उनको अंडरस्टैंड कर सकें। आस्क द चिल्ड्रन टू टेल हाउ दे वुड फील इन द सिचुएशन बिलो एंड व्हाई, अब आपको एक सिचुएशन दी जा रही है जिसमें आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप क्या फील करेंगे और क्यों फील करेंगे। टोन ऑफ वॉइस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अब ये एक्टिविटीज़ हैं जो इमोशनल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एलिमेंट्री लेवल पर की जा रही हैं, इसमें इस टोन ऑफ वॉइस के हवाले से जो एक्टिविटी है ये इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि टू हेल्प चिल्ड्रन रिकोगनाइज दैट हाउ थिंग्स आर सेड कैन बी जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट इज सेड, कि किस तरह से अगर कोई बात कही जा रही है तो उसको वो पहचान सकें कि इस बात की कितनी अहमियत है, इस टोन की कितनी अहमियत है। स्किल इमोशनल कम्युनिकेशन सेल्फ अवेयरनेस, इसमें जो स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं वो इमोशनल स्किल्स हैं, बातचीत की, कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं और सेल्फ अवेयरनेस की स्किल्स हैं। आस्क द स्टूडेंट व्हाई दे थिंक टोन ऑफ वॉइस, के वो व्हाट दे थिंक टोन ऑफ वॉइस, वो क्या समझते हैं टोन ऑफ वॉइस क्या होती है, आवाज़ की जो टोन है, उतार चढ़ाव है, वो क्या चीज़ है। मीन्स राइट डाउन ऑल ऑफ द आइडियाज ऑन बोर्ड, गिव एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टोन्स ऑफ वॉइस। हम बच्चों की एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं उनकी इमोशनल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एलिमेंट्री लेवल पर। आस्क द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल गोइंग अराउंड द सर्कल, आस्क देम टू गिव एग्जांपल ऑफ वॉइस टोन दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बीइंग सेड और कम्युनिकेट द रॉन्ग फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट चाइल्ड इन द सर्कल सेज
आई लव आइसक्रीम इन अ बोर्ड वॉइस. आई लव आइसक्रीम. मतलब उसकी आवाज में वो लव और वो पैशन आइसक्रीम के लिए शो ही नहीं हो रहा जो कि वो फील करता है, और वो इमोशंस में शो नहीं करवा पा रहा. द नेक्स्ट चाइल्ड देन सेज आई लव आइसक्रीम एज थॉट ही और शी रियली डज लव इट. सेकेंड एग्जाम्पल इज द नेक्स्ट चाइल्ड सेज आई हैव टू डू सो मच होमवर्क इन अ हैप्पी वॉइस. आई हैव टू डू सो मच होमवर्क लाइक दिस. द नेक्स्ट चाइल्ड सेज द सेम सेंटेंस इन अ टोन दैट ही और शी थिंक्स अप्रोप्रिएट सच एज अनहैप्पी और एंग्री. देन हाउ विल ही और शी से दिस सेंटेंस? आई हैव टू डू सो मच होमवर्क लाइक दैट. प्रोवाइड एवरी चाइल्ड अ चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी. हर बच्चे को चांस दें कि वो इस एक्टिविटी में हिस्सा ले. अगली बात, अभी हमने वॉइस टोन की बात की, नेक्स्ट हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें, चेहरे के तसुरात की. लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू टीच चिल्ड्रन द डिफरेंस बिटवीन फेशियल एक्सप्रेशन टू आइडेंटिफाई पॉसिबल काजेज फॉर द एक्सप्रेशंस. बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो जो भी उन बच्चों के जो अगले बंदे के उसके सामने है उसके तासुरात की वजूहात जानने के काबिल हो जाएंगे. स्किल कौन सी इंप्रूव होगी? इमोशनल कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस की. आस्क द चिल्ड्रन व्हाई यू लुक एट पीपल्स फेस. व्हाट डू देयर एक्सप्रेशंस टेल यू? तुम्हें दूसरों के चेहरे के तासुरात क्या बताते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज एंड राइट देम ऑन द बोर्ड. बच्चों से ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाएं, डिफरेंट आंसर्स आएंगे, उनको बोर्ड पर लिखते जाएं. देन यू हैव टू टेल देम पीपल्स फेशियल एक्सप्रेशन शो हाउ दे फील. लोगों के चेहरे के तासुरात बताते हैं कि वो किस तरह से महसूस करते हैं. द वे देयर फेस लुक्स कैन टेल यू मोर देन वट दे आर सेइंग. वो आपको जो कह रहे हैं, इवन उनकी वॉइस टोन शायद ना बता रही हो, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात उनकी अंदरूनी फीलिंग्स को शो करा रहे होते हैं. यू कैन ऑफन टेल वेदर अ पर्सन इज एंग्री और सैड और हैप्पी इवन इफ यू कांट हियर हर वर्ड्स. आप दूर खड़े किसी इंसान की आवाज़ ना सुन सकें, अल्फाज ना सुन सकें, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो जो दो बंदे दूर खड़े हैं वो लड़ाई कर रहे हैं या वो खुशगप्पियाँ कर रहे हैं. व्हेन समवन इज टॉकिंग टू यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू यूज़ एन अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस. जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो ये आपके लिए अहम है कि आप अपने चेहरे पर मुनासिब तासुरात रखें. जो बात आप कर रहे हैं उसी हिसाब से, यानी कि आप किसी को प्यार से कोई उनसे डिस्कशन कर रहे हों और आपके चेहरे पर गुस्से के तासुरात हों. इफ शी इज सेइंग समथिंग फनी यू वुड प्रोबेबली स्माइल. अगर कोई आपसे बात करते हुए कोई फनी बात करे तो आपको भी शायद मुस्कुराना चाहिए. सैड, क्या उदास होना चाहिए? यू माइट लुक सीरियस, या फिर आपको सीरियस देखना चाहिए. इफ यू लुक बोर्ड दैट पर्सन प्रोबेबली विल नॉट कंटिन्यू टॉकिंग विद यू. अगर आपके चेहरे पर उसके तवक्कुआत के मुताबिक तासुरात नहीं होंगे जो आपसे फनी बात कर रहा है, तो हो सकता है वो आपसे बातचीत ही जारी ना रखे. एक्टिविटी अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस. अब हम बात कर रहे हैं एक्टिविटीज की जो इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे जो बच्चों के इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशंस को शो कराने के लिए हेल्पफुल होंगी. डिस्ट्रीब्यूट एन एक्टिविटी शीट टू स्टूडेंट्स विच डिस्प्ले वेरियस फेशियल एक्सप्रेशंस. अगेन मैं एग्जांपल दूंगी व्हाट्सएप के इमोजीज की जो हर तरह के मूड को, हर तरह के तासुरात को शो करा रहे होते हैं, और छोटे बच्चे भी इवन अब उन इमोजीज को समझते हैं, उन फीलिंग्स को जो वो शो कराना चाहते हैं उस तरह के इमोजीज वो भेजते हैं व्हाट्सएप में. हैप्पी, डिसअपॉइंटेड, कन्फ्यूज्ड, एंग्री, सरप्राइज्ड, प्राउड, अनसर्टेन, सेटिस्फाइड और शॉक्ड. एज चिल्ड्रन आस्क चिल्ड्रन टू मेक देयर गेस अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन एंड रेज हैंड्स टू आंसर. आप इस तरह के
जो मूड स्विंग्स हैं ये सारे, इसके आप इमोजीज लें और बोर्ड पर लटका दें वन बाय वन, और बच्चों से कहें कि पहले इमोजी के बारे में वो आंसर करेंगे, लेकिन अपना जवाब देने के लिए हैंड रेस करें। सपोर्ट द कॉन्सेप्ट दैट दे कैन टेल हाउ ईच चाइल्ड इज फीलिंग इवन विद आउट एनी वर्ड्स बींग सेड। हत्ता के आप बच्चों को ये भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि वो बिना कोई लफ्ज़ बताए साथ वाले बच्चे के मूड के बारे में अंदाज़ा कर सकते हैं, जो उससे बात नहीं कर रहा, कि वो किस तरह से फील कर रहा है इस वक्त, हैप्पी है या डिसअपॉइंटेड है या कन्फ्यूज है। वेन आस्क द रीज़न फॉर ईच चाइल्ड्स फीलिंग्स, चिल्ड्रन कैन इन्वेंट सिचुएशंस बाय देमसेल्व्स। जब हम उनसे ये पूछेंगे कि साथ वाला बच्चे की जो फीलिंग है इसके बारे में, या आप अपनी फीलिंग के बारे में बताएं, तो बच्चे इवन उस वक्त उस सिचुएशन के बारे में भी सोच सकते हैं जिसकी वजह से वो फीलिंग आ रही है। एक्टिविटी जारी है। आस्क द चिल्ड्रन टू टेल हाउ द दे वुड फील इन द सिचुएशन बिलो एंड वाई। उनको कुछ सिचुएशंस बताई जाएंगी और उनसे क्वेश्चन किया जाएगा वन बाय वन, सिचुएशन बताते हुए कि इस तरह की सिचुएशन में वो क्या फील करते हैं और क्यों फील करते हैं। तो सिचुएशंस हैं जी, इफ़ योर मदर गेट्स एंग्री बिकॉज यू केम लेट फ्रॉम पार्क। अगर आप पार्क से लेट वापस आए तो आपकी अम्मी गुस्से हुई, आपने क्या फील किया और क्यों फील किया। अगर ये कि आपके इवन हार्ड वर्क के बाद भी आपके अच्छे ग्रेड नहीं आए किसी टेस्ट में, या फिर आपके विदाउट हार्ड वर्क विदाउट स्टडीज के जो बैड रिजल्ट था उस पर आपका क्या रिजल्ट है, या फिर आपने 100% रिजल्ट हासिल किया है टेस्ट में तो उस पर आपके क्या फीलिंग है। इफ योर बेस्ट फ्रेंड कुड नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी तो आपकी क्या फीलिंग है, और अगर आपका पॉकेट मनी स्कूल में गुम हो जाए तो आपकी क्या फीलिंग है और क्यों है ऐसी फीलिंग। इफ योर टीचर आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू डिड नॉट नो द आंसर तो आपकी क्या फीलिंग होगी। इन सब सीन और सिनेरियोस को बच्चों के सामने रखें और फिर उनसे क्वेश्चन करें कि वो कैसा फील कर रहे हैं, अगर ऐसा हो तो कैसा फील करेंगे और क्यों फील करेंगे। इस तरह से वो अपना इमेजिनेशन भी उनकी इम्प्रूव होगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। होपफुली आपको इस यूनिट की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।